नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। पवई रेस्ट हाउस में मीटिंग में सम्मिलित होने आए विधायक प्रहलाद लोधी से नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे ने मुलाकात कर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवीन विद्यालय निर्माण हेतु प्रस्ताव दिया। साथ ही छत्रसाल स्टेडियम में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम के लोकार्पण के बाद भी बच्चों के खेलने हेतु उपलब्ध न होने के संबंध में चर्चा कर शीघ्र खेलने हेतु उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। पवई महाविद्यालय की छात्राओं सहित विभिन्न खिलाड़ी सैकड़ों की संख्या में आए और हाल में संपन्न हुई जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पवई महाविद्यालय के विजेता प्रतिभागियों की टीम को संभागीय प्रतियोगिता में न ले जाने की जानकारी दी, जिस पर विधायक द्वारा कलेक्टर पन्ना से फोन पर स्वयं एवं छात्राओं की बात करवाए। उक्त विषय में कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त किया कि वे चर्चा कर प्रतिभागियों को ले जाने की व्यवस्था करवाएंगे तथा बच्चों द्वारा विधायक कप में स्टेडियम वॉल एवं गेट निर्माण हेतु स्वीकृत 5 लाख की राशि के भुगतान के आग्रह पर उन्होंने उक्त राशि जनवरी में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। पवई से राम सिंह की रिपोर्ट। नमस्ते सर, हम लोग अमानगंज जिला खेलने के लिए गए थे वॉलीबॉल में, वहाँ से हम लोग का सिलेक्शन हुआ था संभागीय स्तर के लिए। उन्होंने मना आगे टीम ले जाने के लिए मना कर दिया और हम लोग का सिलेक्शन कैंसिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि तुम लोग खेल नहीं पा रही है। हम लोग डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, और डेली यहाँ पे आ रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं। हम लोग की टीम भी अच्छी मजबूत बन चुकी है। इक्कीस से तेईस तारीख को बिल्कुल नहीं है, आप औरों के मुँह में हो रहा हो संरक्षण में सब चीजें हम का मेहनत कर रहे हैं। सर, 27 मार्च 2022 को यहाँ जिस स्टेडियम का उद्घाटन हुआ था, तो वो अभी तक हम लोग के लिए उपलब्ध क्यों नहीं है? उसमें मतलब जिला वाले को नंबर दे, उद्घाटन के लिए कोई आए थे, हमें यहाँ दिख नहीं रहे। कहाँ गए? गुलाब सिंह सुनारी जी आए थे, तो कुछ प्रॉब्लम होगी उनकी, वो बता दें हमको, हम भी थोड़ा उसका खेल वाले को नंबर दे जिला वाले को। नहीं नहीं, आप तो बैठिए, आप बड़े हैं, आप खड़े रहे। तो क्या, नहीं हम लोग तो बच्चे चल जाएंगे। नहीं सर, बता दीजिए आप अपनी बात, बता ठीक है ना? चलो, कॉलेज की बच्चियां सबसे पहले आप अपनी समस्या बताएंगी, ठीक है ना? कॉलेज की जो बच्चियां हैं, चलो आ तुम कॉलेज की लड़कियों, थोड़ा भैया ऐसे हो ना, बच्चों की हम ले लें फोटो। हाँ बताओ अपनी समस्या बताओ। एक मिनट, लोग विजेता भी है, फिर भी उन्होंने जी हम लोग संभागीय स्तर के लिए चयनित, बोला प्लेयर अच्छे नहीं हो तुम लोग, इसलिए रद्द कर दिया हमने। और विजेता है हम लोग, बहुत मेहनत करेंगे बच्चे, अच्छा खेले इनका, सुबह से आज पूरा प्रैक्टिस करते हैं डेली, बोलते हैं तुम लोग अच्छा नहीं खेलते। और इन बच्चियों को तो क्या मैं ऐसा चीज जा कहती हैं कि अगर संभव हो तो भी अपनी कॉलेज की एक टीम बना ले लड़कों की। बाल बच्चे खड़े की बात कर रही हैं, मतलब सभी जो भी जितने भी कॉलेज से, नहीं भेदभाव गलत। और सबसे बड़ी चीज बच्चियां ये बोल रही ना, आप सुनिए कि यदि उनके कॉलेज में संभव हो तो 6 लड़के ले आए, वो इन लड़कियों को हरा दें। पवई की लड़कियां वॉलीबॉल खेलना छोड़ देंगी हमेशा के लिए। कॉलेज में जगह भी नहीं है, हमारी एक मिनट।